नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन का एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन कोर्स के बारे में, देखो ये जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अपना जो कोर्स है उसका पार्ट है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट भेज सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। एक और कोर्स है अपना मेंस के सिलेबस को सिस्टमेटिक ढंग से कवर करने के लिए, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम सारा मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, जो भी टॉपिक्स हैं मेंस के जैसे IR, उन सब को हम कवर करेंगे मेंस बूस्टर प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम स्पेशली मेंस का सिलेबस कवर करने के लिए है। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। डाउट है तो onlyis.sales@gmail.com पर सेंड कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के बारे में, जो कि है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को हम वेरियस डायमेंशन से एनालाइज करेंगे और जो भी पोटेंशियल क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं उन एस्पेक्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जिस उद्देश्य के साथ यूनाइटेड नेशंस का निर्माण किया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव सर्वोच्च का है? मतलब जो सोच के यूनाइटेड नेशंस का निर्माण किया गया था 1945 में, क्या वो एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड नेशंस पूरी कर पाया है? क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया है यूएन को? ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव हैं क्या, मतलब किस उद्देश्य के साथ, किस पर्पज के साथ यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया गया था, एनविसाज्ड रोल क्या था यूनाइटेड नेशंस का, और एक्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड यूनाइटेड नेशंस का है क्या। देखो, आपको याद होगा 1939 से लेकर 1945 के बीच एक भयंकर सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है विभिन्न कंट्रीज के बीच। वर्ल्ड के ज्यादातर देशों ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था। इस वर्ल्ड वार में देखो भारी तबाही मची थी, तो वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज को यह समझ में आ गया था, एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पे जो विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करे और आने वाली जनरेशन को वार की आग से बचाए। सेकेंड वर्ल्ड वार में इतनी ज़्यादा तबाही हो गई थी कि कोई भी देश नहीं चाहता था कि इस प्रकार का वर्ल्ड वार फिर से हो, तो यही इंश्योर करने के लिए यूएन का निर्माण हुआ था 1945 में, ताकि आने वाली जनरेशन्स को वार की आग से बचाया जा सके, थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें सोची गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। लक्ष्य ये भी रखा गया था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेगा, यूनाइटेड नेशंस ये इंश्योर करेगा कि सभी देशों को इक्वल स्टेटस प्राप्त हो, कोई देश बड़ा है या फिर छोटा है, सभी देशों की रिस्पेक्ट हो, किसी भी देश की सोवरेनिटी का वायलेशन ना हो, सोशल प्रोग्रेस इंश्योर करेगा यूनाइटेड नेशंस, विभिन्न देशों में बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के लिए काम करेगा और फ्रीडम के लिए काम करेगा। यूनाइटेड नेशंस के प्रीएम्बल को अगर आप देखोगे तो ये बात देखो साफ तौर पर जाहिर होती है, यूनाइटेड नेशंस इस बिलीफ पर, इस आइडिया पर आधारित है कि हम आने वाली जनरेशन्स को वार की आग से बचा सकते हैं, हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर जस्टिस पर आधारित होगा, यानी न्याय पर आधारित होगा, रूल ऑफ लॉ पर आधारित होगा। यूनाइटेड नेशंस का प्रीएम्बल ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि विभिन्न देशों के बीच इंटरडिपेंडेंस होना जरूरी है ताकि कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सके और पीस इस्टेब्लिश हो वर्ल्ड में। यूनाइटेड नेशंस का प्रीएम्बल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश करने का। सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही था कि आने वाली जनरेशन को युद्ध की आग से बचाया जाए, यानी थर्ड वर्ल्ड वार होने से रोका जाए। इसके अलावा प्रीएम्बल में और छोटी छोटी बहुत सी बातें लिखी गई हैं, जैसे सभी देशों का सम्मान हो, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो, और वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा इस्टेब्लिश हो जो जस्टिस पे आधारित हो, रूल ऑफ लॉ पे आधारित हो। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें बहुत सी लिखी गई हैं। इन सभी इश्यूज को हम अगर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो मेनली देखो यूनाइटेड नेशंस तीन पिलर्स पे इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ पीस, दूसरा पिलर यूएन को इस्टेब्लिश करने का था प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट, और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो तीन पिलर्स पर यूनाइटेड नेशंस के निर्माण की बुनियाद टिकी हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ पीस, दूसरा
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और तीसरा प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो हम एक एक पिलर को अगर एनालाइज करें, मतलब हम एक एक पिलर के बारे में बात करें, क्या जैसे क्या यूनाइटेड नेशंस पीस इंश्योर कर पाया, पीस को प्रोटेक्ट कर पाया, दूसरा पिलर क्या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाया, तीसरा पिलर क्या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई या फिर नहीं हुई। तो एक एक पिलर की हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखो जनरल डिस्कशन, कहा वैसे ये जाता है कि यूनाइटेड नेशंस से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही ज़्यादा थी लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री हैं गैरेथ इवांस, ये कहते हैं कि देखो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हों, इतनी सारी ड्रीम्स हों, लेकिन हाथ लगी क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा थी, हाथ लगी सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल देखो ठप रहती है क्योंकि कोई ना कोई देश अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। जब तक कोल्ड वार चल रहा था कभी यूएसएसआर किसी इशू पर वीटो इस्तेमाल कर लेता, कभी यूएसए पर, कभी ऐसा नहीं हुआ, एक दो को मौकों को छोड़ दें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच सहमति बनी। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तो हमेशा ठप रहती है, कोई डिसीजन निकल के ही नहीं आता। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसमें सभी कंट्रीज के मेंबर होते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ बातें होती हैं, बातें, और इसके अलावा कोई पावर नहीं है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के पास। इसीलिए यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप यूएसए को ये भी बोलते हैं इट इज़ टॉकिंग शॉप, बातचीत की दुकान है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यूएन कुछ काम होता नहीं है, यूएन से कोई एक्शन यूएन से लिया नहीं जाता है। यूएन की एक और एजेंसी है इकोसोक जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ये फिलहाल डिसफंक्शनल है, फंक्शनल नहीं कर रही है ये जो इकोसोक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। उसके बाद बात करें सेक्रेटरिएट की, सेक्रेटरिएट में जो प्रोफेशनल्स हैं वो टोटली इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, वो भी इफेक्टिव रूप से काम नहीं करते। तो ये जनरल सी कुछ बातें हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। 70 साल पूरे हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को एग्जिस्टेंस में आए और लोग फिलहाल मतलब असंतुष्ट हैं। जो सोच के यूनाइटेड नेशंस का निर्माण किया गया था वैसा काम तो यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया है। थोड़ी बहुत अचीवमेंट है, वो किस सेक्टर में है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जनरल डिस्कशन के बाद फिर से हम आते हैं उसी तरफ जो हमने सोचा था। एक एक पिलर को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ पीस, क्या यूनाइटेड नेशंस पीस को प्रोटेक्ट कर पाया। देखो ध्यान से सुनिएगा, थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ आपको पता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल वार ही नहीं हुए। वार तो बहुत ज़्यादा हुए ना 1945 के बाद। इंडिया के कितने वार हुए, इंडिया के पाकिस्तान के साथ वार हुए, चाइना के साथ इंडिया का वार हुआ, ईरान इराक वार हुआ, अरब इजरायली कितने सारे वार हुए 1967 में, 1973 में, अफ्रीका में कितने सारे विभिन्न देशों के बीच वार हुए। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना बड़ा वार तो नहीं हुआ लेकिन छोटे छोटे वार बहुत सारे हुए। और इवन देखो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, क्या इसका श्रेय भी हम यूनाइटेड नेशंस को दें, समझ रहे हो ना, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, क्या इसका जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, क्या यूनाइटेड नेशंस को जाता है, क्या यूनाइटेड नेशंस ने अच्छा काम किया इस वजह से थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ या फिर कोई और रीजन है। क्योंकि देखो अलग अलग एक्सपर्ट्स ना अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भैया नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट ने एक अच्छा रोल निभाया था जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जैसे किनीथ वाल्ड्स, वो तो यूं कहते हैं न्यूक्लियर वेपन हो गए थे दोनों के पास, यूएसए के पास और यूएसएसआर के पास भी, दोनों ग्रुप्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इस वजह से थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी न्यूक्लियर वेपन होते तो थर्ड वर्ल्ड वार जरूर होता, ये बोलना है कुछ एक्सपर्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल किनीथ वाल्ड्स। तो कहने का मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशंस को पूरी तरह से क्रेडिट नहीं दिया जा सकता जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। और भी बहुत सारे रीजंस हैं थर्ड वर्ल्ड वार के नहीं होने के। इवन देखो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस का कंसेप्ट आया, ये भी तो यूएन की फेलियर को ही दर्शाता है ना। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का कंसेप्ट क्यों आया, याद कीजिए हमने डिस्कस किया था, इसीलिए तो आया था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा ठप रहती थी। किसी मुद्दे पे यूएसए अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता, किसी मुद्दे पे यूएसएसआर,
दोनों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से कोई फैसला आता नहीं था। इसलिए ये सोचा गया एटलीस्ट तब तक जब तक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, मीनवाइल यूनाइटेड नेशंस अपनी कोई फोर्स भेजे पीस इस्टैब्लिश करने के लिए जहां पे कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। देखो मान लीजिए दो देशों के बीच लड़ाई हो गई, ए और बी देश के बीच, और यूनाइटेड नेशंस ने फैसला लेना है क्या किया जाए इस सिचुएशन में, कैसे ए और बी के बीच लड़ाई को सुलझाया जाए, लेकिन फैसला आया नहीं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तो ठप पड़ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस अपनी फोर्स भेजे एटलीस्ट ए और बी के बीच सीज फायर को मेंटेन किया जा सके। तो इस प्रकार से उसी फोर्स को नाम दिया गया पीस कीपिंग फोर्स। इस प्रकार से ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का कंसेप्ट निकल के आया था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का कंसेप्ट निकल के आया क्यों आया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ठीक से काम नहीं कर सकी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ठप रही। तो आप कह सकते हो कंक्लूजन के तौर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग का मिशन एक प्रकार से यह बताता है, दर्शाता है यूएन की फेलियर को, समझ गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का कोई वर्णन नहीं है, कोई मेंशन नहीं है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में। यह कंसेप्ट बाद में आया था। इवन देखो यूनाइटेड नेशंस के कई सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 27 है वो किसी देश के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवेंशन की इजाजत नहीं देता। जबकि देखो आज के समय में आपको पता है सिविल वार जब हो जाता है या फिर किसी देश की सरकार अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही होती है तो उस समय इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। उस समय यूनाइटेड नेशंस को इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि उस देश की सरकार को रोका जा सके, वो अपने ही नागरिकों को मारने से बाज आए। जैसे देखो अफ्रीका के आप रवांडा की बात ले लीजिए, रवांडा में 1994 में जिनोसाइड हुआ था। वहाँ पे जो सरकार थी हुतू कम्युनिटी की, उसने तुत्सी कम्युनिटी के ऑलमोस्ट 70% लोगों की हत्या कर दी थी। तो सोच के देखिए ऐसी सिचुएशन में जब कोई देश की सरकार अपने ही लोगों को मार रही है तो फिर किसी दूसरे देश के द्वारा, किसी दूसरी पावर के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है ताकि निर्दोष लोगों की हत्या होने से रोका जा सके। तो इस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। क्योंकि देखो जब कोई देश की सरकार अपने लोगों को मार रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ना प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि उस देश से तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, रवांडा से तो अपेक्षा ही नहीं किया जा सकता कि वो अपने नागरिकों की हत्या होने से बचाए, क्योंकि रवांडा की सरकार खुद ही तो मार रही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि रवांडा में जिन लोगों को मारा जा रहा है उनकी हत्या होने से बचाया जाए। लेकिन इस केस में भी यूनाइटेड नेशंस ने इफेक्टिव रूप से काम नहीं किया है। बहुत से लोगों में, बहुत से देशों में जिनोसाइड हुआ इंक्लूडिंग रवांडा में, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल 27 है ये तो साफ तौर पे बोलता है कि किसी स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवेंशन करने की इजाज़त नहीं होगी। इवन देखो पीस कीपिंग मिशंस भी आज के समय में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। शुरुआत में देखो पीस कीपिंग मिशंस को किस लिए भेजा जाता था, दो देशों के बीच पीस इस्टैब्लिश करने के लिए। मान लीजिए ए और बी देश के बीच लड़ाई हुई है तो सीज फायर को ऑब्जर्व किया जा सके, इसलिए पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाता था। लेकिन आजकल तो इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट के लिए भी पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल सूडान के अंदर सिविल वार चल रहा है, तो सूडान के अंदर सिविल वार चल रहा है, एक ही देश के अंदर विभिन्न पार्टीज के बीच लड़ाई चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पीस कीपिंग मिशन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखो सूडान में जो विभिन्न ग्रुप्स हैं, कोई आतंकवादी ग्रुप हो सकता है, कोई वायलेंट ग्रुप हो सकता है, इंसर्जेंट ग्रुप्स हो सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना। वो तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के जो जवान हैं उन पर भी फायरिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बार पीस कीपिंग फोर्स के जवानों की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि एसमेट्रिक एक्टर्स जो होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देशों पे तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स, इन पे थोड़ी ना भरोसा किया जा सकता है कि ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के जवानों पर गोली नहीं चलाएंगे, चला देते हैं ये। इसलिए पीस कीपिंग फोर्सेज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। तो ये हमने पहला पिलर डिस्कस कर लिया, जो तीन पिलर्स की हमने बात की थी।
सबसे पहला पिलर था प्रोटेक्शन ऑफ पीस। हमने समझ लिया कि यूनाइटेड नेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पीस इस्टाब्लिश करने को लेके। अब दूसरे पिलर की बात करते हैं जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया, एक बड़ा आर्किटेक्चर क्रिएट किया, काफ़ी सारी ट्रीटीज़ भी आई, कन्वेंशंस भी आए, इंस्टीट्यूशंस भी बने। जैसे यहाँ पे देखो, ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन ऑन ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इस प्रकार की काफ़ी सारी काउंसिल्स और ट्रीटीज़ का निर्माण हुआ। लेकिन देखो, जो सोचा गया था कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा, वैसा तो यूनाइटेड नेशंस अच्छा काम नहीं कर पाया, मतलब वैसी अचीवमेंट नहीं रही है यूनाइटेड नेशंस की। सोचा यह गया था कि जिस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी में इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था, ज्यूज की हत्या हुई थी, 60 लाख ज्यूज को मार दिया गया था जर्मनी में, तो इसीलिए ये पिलर क्रिएट किया गया था कि यूनाइटेड नेशंस ऐसा नहीं होने देगा कहीं भी। देखो, इतने बड़े स्केल पे तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन आज आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। यूगोस्लाविया में जिनोसाइड हुआ, इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई, 60 लाख लोगों की तो नहीं की गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की हत्या की गई यूगोस्लाविया में एक साथ। रवांडा में ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख के बीच तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को एक साथ मार दिया गया। मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बड़े स्केल पे हुआ है और यूनाइटेड नेशंस उसे नहीं रोक पाया है। आप सीरिया में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ 2010 से लेके 2018 के बीच, जो सिविल वार चलता है सीरिया में। आप रोहिंग्याज का देख लीजिए, म्यांमार में किस प्रकार से रोहिंग्याज के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। इवन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ युद्ध के समय बल्कि शांति के समय भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं के खिलाफ रेप के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं तो और क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस दूसरे पिलर पर भी ठीक से काम नहीं कर पाया है जो कि था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखो, तीसरे पिलर की बात करते हैं। बताइए तीसरा पिलर क्या है? तीसरा पिलर है प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के फ्रंट पे देखो, यूनाइटेड नेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। यूं तो नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट के फ्रंट पर यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम किया है। WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड जैसी यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं वो डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस और भी अच्छा काम कर सकती थी अगर बजट ज़्यादा होता। यूनाइटेड नेशंस के पास बजट काफ़ी कम है। 2013 के डेटा के अनुसार यूनाइटेड नेशंस का बजट था सिर्फ $45 बिलियन 2013 में। तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक साल में 1% के लिए एक्सपेंडिचर सिर्फ $6। तो इतने कम बजट के साथ ये एक्सपेक्ट करना कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के फ्रंट पे बहुत ही अच्छा काम करेगा, ये तो देखो बेमानी होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस बहुत ही अच्छा काम कर सकता था डेवलपमेंट के फ्रंट पे अगर यूनाइटेड नेशंस को बेहतर कैपेबिलिटीज दी जाती, बेहतर फंड्स अवेलेबल करवाए जाते। कंक्लूजन के तौर पे कहा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री की वही स्टेटमेंट गरीथ इवांस कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर सकी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी। लेकिन देखो, हमें इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशंस अपने आप से परफॉर्म नहीं कर सकते। वो लोग जो इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है, उनकी पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन सफल रूप से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। इवन USA के पूर्व राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी यही बात कही थी। USA के पूर्व राष्ट्रपति ट्रूमैन ने UN के इनाग्रेशन के मौके पर यह कहा था, देखो वो लोग जो UN को रन करेंगे, अगर वो चाहेंगे कि UN सफल हो तो UN जरूर सफल होगी, लेकिन वो नहीं चाहेंगे UN सफल ना हो तो UN सफल नहीं होगी। मतलब यूनाइटेड नेशंस को रन करने वाले लीडर्स पर डिपेंड करता है, उनकी विशेष पर डिपेंड करता है कि UN काम करेगी या फिर नहीं करेगी। इस मौके पे USA के पूर्व राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह भी याद दिलाया, अगर देखो यूनाइटेड नेशंस सफल रूप से काम नहीं करती हैं
तो ये एक प्रकार से धोखा होगा उन लोगों के साथ, उन मैन और वुमन के साथ जिनकी जाने गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, जस्टिस के लिए। क्योंकि देखो बहुत से लोगों की जाने चली गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में पीस और जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए, तभी यह सोच लिया गया था कि इस प्रकार से बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि फ्यूचर में बहुत सारी जाने ना जाएं जस्टिस और पीस के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई यूएन। अब यूएन ही ठीक से काम नहीं करेगा तो एक प्रकार से जिन लोगों की जाने गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में उनके साथ तो धोखा हुआ ना। तो बार बार ये क्वेश्चन उठता है, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जाता है कि यूएन ठीक से काम तो कर नहीं रही है तो इसलिए यूएन को ख़त्म ही कर देना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यूएन को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि यूएन किसी काम की बॉडी नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, इन्होंने कहा था देखो वी नीड मोर यूएन देन लेस यूएन। ये कहते हैं हमें और ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस की आवश्यकता है बजाय इसके कि हम यूनाइटेड नेशंस को ख़त्म कर दें। क्योंकि देखो आज के समय में आपको भी पता है ग्लोबल थ्रेट्स जैसे क्लाइमेट चेंज, आर्म रेस, ट्रांसनेशनल टेररिज्म, ये सब बढ़ रहे हैं और कोई एक देश नहीं है, कोई कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, आप बताओ यूएसए अकेला दम पे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकता है क्या? आप बताइए यूएसए अकेले दम पे टेररिज्म को ख़त्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई कितने भी बड़ी सुपर पावर हो अपने दम पे इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकता। तो यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई बॉडी तो हमें चाहिए जो कि विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करे इन ग्लोबल समस्याओं के हल के लिए। देखो कोई दूसरी बॉडी इस्टेब्लिश करें उससे अच्छा यूनाइटेड नेशन ही क्यों नहीं। यूनाइटेड नेशंस में कमियां हैं, ये बात सही है, तो यूनाइटेड नेशंस की जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है, रिफॉर्म लाए जा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में। और देखो ऐसा भी नहीं है, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट के फ्रंट पे यूनाइटेड नेशंस ने अच्छा काम किया है, इवन और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ पर यूनाइटेड नेशंस ने अच्छा काम किया है, जैसे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल एनपीटी, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, इन सबको करवाने में यूएस ने अपना एक अच्छा रोल निभाया। अगर कंक्लूड हम करें तो देखो एक फेमस कोट है डैग हैमर्स एस के जोल्ड का, इन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशंस का निर्माण देखो मानव सभ्यता को स्वर्ग पे ले जाने के लिए नहीं हुआ था, इसलिए हुआ था कि मानवता को नरक से बचाया जा सके। देखो अंतर है दोनों चीज़ों में। ये कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि मानव सभ्यता को स्वर्ग पे ले जाया जा सके कि हाँ भाई यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हो गया अब तो मैनकाइंड पहुंचेगी स्वर्ग पर, नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस इरादा ये था पीस इस्टेब्लिश हो, उसके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो, यानी जो मानवता है वो नरक में ना चली जाए, सिचुएशन ठीक ठाक रहे, इसलिए यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था। और ये बात सही है कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं यूएन से, जैसा सोचा गया था वैसा काम यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया है। लेकिन देखो अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं होती तो वर्ल्ड कोई ज़्यादा अच्छा प्लेस नहीं होता, मतलब एटलीस्ट यूएन ने कुछ तो किया है, मानते हैं कि जितना सोचा था उतना नहीं किया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस होता ही ना तो बल्कि वर्ल्ड की हालत तो देखो और भी बुरी होती। जो थोड़ी बहुत अच्छी काम किए हैं यूनाइटेड नेशंस ने वो भी ना होते तो वर्ल्ड में सिचुएशन और भी ख़राब होती। नमस्कार दोस्तों, आईआर के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हमने ये डिस्कस किया था यूएन की जो बॉडी है वो देखो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं कर पाई है, लेकिन आवश्यकता तो है यूएन की, ये बात सही है। जैसा सोचा था वैसा काम यूएन ने किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूएन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आज के समय में भी यूएन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको किसी एक देश के द्वारा एड्रेस नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी पावर हो, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म। तो हमें और ज़्यादा यूएन की आवश्यकता है बजाय के यूएन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यूएन इफेक्टिव रूप से काम कर सकें इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन के एवोल्यूशन में रिफॉर्म जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, इंटरनल चैलेंजेस भी और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी, नई नई प्रायोरिटीज भी आ जाती हैं, तो इस वजह से इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता हो जाती है ताकि इंस्टीट्यूशन अपने आप को रेलेवेंट बनाए रख सके और इनोवेशन ला सके। देखो आज का जो युग है वो इंटरडिपेंडेंस का युग है, सभी देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई भी देश आइसोलेट होकर नहीं रह सकता, इसलिए विभिन्न देशों के बीच
जो इंटरकनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वल्नरेबिलिटीज भी सेम हैं। जैसे देखो, क्लाइमेट चेंज से किसी एक देश पे असर नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे देशों पे असर पड़ रहा है ना, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज का खतरा किसी एक देश को नहीं है, सबको है क्लाइमेट चेंज से खतरा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। टेररिज्म भी उसी प्रकार से, किसी एक देश को खतरा नहीं है टेररिज्म को, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ को है किसी ना किसी फॉर्म में। इसलिए हमें ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस के लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है जो सर्वसहमति से रूल्स फ्रेम कर सकें, यानी कंसेंसस से रूल्स फ्रेम कर सकें। किसके लिए? रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए, पीस और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने समझा, यूएन को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, कई प्रकार के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है यूनाइटेड नेशंस में, अगर यूनाइटेड नेशंस को हम रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं आज के समय के हिसाब से। कुछ मेजर रिफॉर्म्स की अगर बात करें, जनरल मेजर रिफॉर्म्स की, देखो यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सेक्शन 7 ये बोलता है, किसी देश के डोमेस्टिक अफेयर्स में यूएन इंटरवेंशन नहीं कर सकता। लेकिन देखो, कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद सिचुएशन जो है वो बदल चुकी है। जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर किसी देश की सरकार अपने ही लोगों का नरसंहार कर रही है, अपने ही लोगों को बड़ी संख्या में मार रही है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में यूएन को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए? अगर किसी देश में दो कमिटीज़ के बीच फाइट देखने को मिल रही है और एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में यूएन को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। तो कहने का एसेंस क्या हुआ, यूएन के चार्टर का आर्टिकल 2 सेक्शन 7 ये देखो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है, जो कि मना करता है यूएन के इंटरवेंशन को किसी भी देश के डोमेस्टिक अफेयर्स में। लेकिन कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद आजकल इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, मतलब किसी देश के अंदर कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं विभिन्न ग्रुप्स के बीच, पार्टीज़ के बीच, तो ऐसी सिचुएशन में यूएन के इंटरवेंशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अमेंड कर दिया जाए आर्टिकल 2 सेक्शन 7 को, जो कि मना करता है यूएन के इंटरवेंशन को किसी देश के डोमेस्टिक अफेयर्स में, अगर अमेंड कर दिया जाता है तो यूएन और इफेक्टिव रूप से काम कर सकेगी, और किसी देश के अंदर ही कन्फ्लिक्ट होता है तो उसे भी एड्रेस किया जा सकेगा और पीस इस्टाब्लिश की जा सकेगी। इसके अलावा देखो, यूएन का चार्टर आज भी एनमी स्टेट की बात करता है। आप यूएन के चार्टर को पढ़ोगे ना, तो यूएन के चार्टर में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एनमी स्टेट्स, मतलब दुश्मन देश। अब आपके दिमाग में आया होगा कि दुश्मन देश कौन है भाई? देखो, वो देश जो सेकंड वर्ल्ड वार को हार गए थे, जर्मनी, इटली, जापान, उनको एनमी स्टेट्स बोला गया था यूनाइटेड नेशंस में के चार्टर में। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, लिखना तो खैर कहाँ है, समझने की बात है। शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के जो सिग्नेटरी कंट्रीज थे, उनके दुश्मन स्टेट्स को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में दुश्मन देश कहा गया। तो शुरुआत में देखो, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के जो सिग्नेटरी कंट्रीज थे, उनके दुश्मन यही तो देश थे जो सेकंड वर्ल्ड वार में हार गए थे, जापान, जर्मनी, इटली। तो समय के अनुसार देखो, ये जो एनमी स्टेट्स है ना, ये हटा देना चाहिए था, लेकिन ये वर्ड आज भी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मौजूद है, जबकि सिचुएशन कितनी चेंज हो चुकी है। जापान, जर्मनी, ये तो अब देखो यूएसए के घनिष्ठ मित्रों में से हैं। जापान तो आपको पता है अलाय कंट्री है यूएसए का, जापान की अपनी आर्मी भी नहीं है, यूएसए के ऊपर जिम्मेदारी है जापान की सुरक्षा करने की। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है एनमी स्टेट, आज के समय में रेलेवेंट नहीं है, इसको हटा दो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म स्कीम। यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखो मेनली 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरिएट। बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, जनरल असेंबली में देखो ज़्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बीच और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बीच।
दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स की आवश्यकता है बड़े स्केल पे, इसको बाद में हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स का। इंडिया समेत दूसरे देश लगातार ये मांग कर रहे हैं। अभी देखो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो भी है, चाइना, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस। इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये देश कब से मांग कर रहे हैं कि भैया अभी आप एक्सपेंड कर दो, क्योंकि आज के समय में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। यूके जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, इनके पास इतनी पावर नहीं है। इनसे ज़्यादा पावर तो इंडिया के पास है, जापान के पास है। इनको आप परमानेंट मेंबर बनाओ सिक्योरिटी काउंसिल का। तो रिफॉर्म की आवश्यकता है मेंबरशिप में। वीटो में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि वीटो की वजह से बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो ठप हो जाता है। हाल ही में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पुलवामा अटैक के बाद किस प्रकार से इंडिया ने कोशिश की मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिलवाया जाए, लेकिन चाइना ने अपनी वीटो का इस्तेमाल किया। तो वीटो की वजह से कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता, सहमति बनी नहीं पाती सिक्योरिटी काउंसिल में। तो वीटो रिफॉर्म्स भी आने चाहिए। नेक्स्ट, किस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। सिक्योरिटी काउंसिल के बाद बात करें हम इकोसोक की। इकोसोक जो है, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस काउंसिल का काम देखो ये है, वर्ल्ड में सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रमोट करना और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, फुल एम्प्लॉयमेंट हो ये इंश्योर करना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन लेके आना, इंटरनेशनल कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ये सब काम है इकोसोक के। देखो हालांकि इकोसोक ने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो मैंडेट है वो ओवरलैप होता है इकोसोक के साथ। अभी तो आपको पता है हेल्थ के लिए अलग से बॉडी है WHO, कल्चर को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को है। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की अलग से बहुत सारी एजेंसीज हैं 16-17 के आसपास। तो इकोसोक को जो मैंडेट दिया गया था वो मैंडेट अभी ओवरलैप हो रहा है यूनाइटेड नेशंस की दूसरी एजेंसीज के साथ, इसलिए इकोसोक को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रस्टीशिप काउंसिल की। देखो लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडी थी, लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। जो डिस्प्यूटेड एरिया हुआ करते थे उस समय, वो देखो लीग ऑफ नेशन के अंडर आ जाते थे। मतलब लीग ऑफ नेशन वहां पे एडमिनिस्टर किया करती थी, उनको कहा जाता था लीग ऑफ नेशन के मैंडेट। मतलब लीग ऑफ नेशन का काम है इन एरिया को एडमिनिस्टर करना। लेकिन आपको पता है जब यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुई तो लीग ऑफ नेशन को तो ख़त्म कर दिया गया था। तो फिर क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि लीग ऑफ नेशन के जो मैंडेट थे, मतलब जिन एरियाज को गवर्न किया जा रहा था लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, उसको कौन गवर्न करेगा। तो उसी के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी। मेन काम ये था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, ट्रस्ट टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करना, सुपरवाइज करना। लेकिन देखो जो काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का वो कब का पूरा हो चुका है। मतलब जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी, मतलब जो भी एरियाज थे जिनको गवर्न किया जाना था इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा, उनको गवर्न किया गया। बाद में सभी एरियाज को आज़ादी मिल गई, आज वो किसी ना किसी देश का पार्ट हैं। तो अब ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई काम नहीं है, ये बॉडी खाली है। अब या तो इस बॉडी को एबोलिश कर दिया जाए या फिर इसको कोई नया काम दे दिया जाए। नया काम क्या दिया जा सकता है, जैसे देखो जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, ग्लोबल कॉमन्स मतलब इंटरनेशनल वाटर या फिर आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है, पूरे वर्ल्ड का हक है, ऐसे ग्लोबल कॉमन्स की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को दी जा सकती है। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स की गुंजाइश है। अब लास्ट में हम बात करें सेक्रेटरिएट की। सेक्रेटरिएट में किस प्रकार से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। देखो आज के समय में जो UN सेक्रेटरिएट है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की ब्यूरोक्रेसी से डोमिनेटेड है। सारे ब्यूरोक्रेट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं और प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सेक्रेटरिएट में, फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं, रेड टेपिज्म काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि ग्लोबल साउथ से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस
कि सेक्रेटरीट में इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये जो ग्लोब में नीचे के कंट्रीज़ हैं, साउदर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरीट में, ताकि सही मायनों में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके यूनाइटेड नेशंस में। कहने का मतलब क्या हुआ, यूएन के सेक्रेटरीट में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद नेक्स्ट है देखो पीस कीपिंग रिफॉर्म्स। पीस कीपिंग मिशंस के लिए पैसा काफ़ी कम पड़ जाता है यूनाइटेड नेशंस के पास, और हाल ही में यूएसए ने पीस कीपिंग मिशंस के लिए खर्चे को और भी ज़्यादा कट कर दिया। मतलब यूएसए के द्वारा जो पैसा दिया जाता था पीस कीपिंग मिशंस के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन यूएसए ने और भी कम कर दिया। और एक दिक्कत देखो ये भी है, वो देश जो सबसे ज़्यादा अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करती हैं पीस कीपिंग मिशंस के लिए, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे देश, इनसे तो पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की चलती है, और वो देश जो अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं उनसे तो कंसल्ट ही नहीं किया जाता। तो ये भी एक मांग की जाती है कि वो देश जो अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को भेजते हैं पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा लेने के लिए, उन देशों से भी कंसल्टेशन होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। यूनाइटेड नेशंस के पास देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, पैसा कम है, कंट्रीज़ अपनी मेंबरशिप फीस को भी समय पर नहीं देते, काफ़ी सालों तक ड्यू इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कंट्रीज़ बेशरम होकर अपनी जो मेंबरशिप फीस है वो देते ही नहीं है। यूएसए तो है, वो तो देखो फ्रीक्वेंट डिफॉल्टर है, यूएसए को तो बार बार याद दिलाने पर भी यूएसए अपनी मेंबरशिप फीस नहीं देता है यूएन को। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत फंड मिलता है यूएन को, उसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है और इफ़ेक्टिवली फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। यूनाइटेड नेशंस के पास देखो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंडिंग होना चाहिए, जैसे टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पर टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है, और उस रेवेन्यू को यूनाइटेड नेशंस यूज़ कर सकती है अपने कामों के लिए, अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए। जैसे देखो कोई किसी देश से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, फॉर एग्जाम्पल फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, तो इस पर टोबिन टैक्स लगे 1%, 0.5%, जितना भी, और ये टैक्स कौन इकट्ठा करे, टैक्स का पैसा किसके पास जाए, यूएन के पास, और इससे यूएन अपना खर्चा चलाए। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए यूएन के पास, और यूएन सिर्फ अपने मेंबर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो रिफॉर्म्स लाए कैसे जा सकते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कहाँ कहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित रिफॉर्म्स के बारे में हालांकि हम और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है जो जिन रिफॉर्म्स की अभी तक हमने बात की उन रिफॉर्म्स को कैसे लाया जा सकता है। देखो कुछ रिफॉर्म्स तो ऐसे हैं उनको लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अमेंडमेंट की आवश्यकता है, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अमेंडमेंट की आवश्यकता है ही नहीं, जैसे सेक्रेटरीट रिलेटेड रिफॉर्म्स, पीस कीपिंग रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को बदलना हो तो कैसे बदला जा सकता है। देखो चार्टर को बदलने की जो प्रक्रिया है ना, बहुत ज़्यादा रिजिड है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 108 में बताया हुआ है कैसे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को बदला जा सकता है। दो स्टेप प्रोसेस है देखो। पहले स्टेप में क्या है, जो भी बदलाव करना है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, मतलब जो भी प्रपोजल आया है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में फेरबदल करने के लिए, उस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से पास करना जरूरी है, और 2/3 मेजोरिटी में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट मेंबर्स भी होने चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर एब्सटेन कर जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज सारे के सारे मेंबर्स ने उस प्रपोजल के पक्ष में वोट देना जरूरी है। कोई भी परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का अगर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, 5 में से कोई भी मेंबर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है और 2/3 मेजोरिटी भी है, तो भी वो प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, पहला स्टेप यूनाइटेड नेशंस चार्टर में अमेंडमेंट लाने का ये है
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो प्रपोजल आया है चार्टर में अमेंडमेंट लाने के लिए, उस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2/3 मेजोरिटी से पास करे और 2/3 मेजोरिटी में सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है। कोई मेंबर एब्सटेन कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन वीटो पावर का इस्तेमाल कोई भी मेंबर कर लेता है तो बेशक 2/3 मेजोरिटी हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा अगर किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के द्वारा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? देखो, मान लेते हैं पहला स्टेप अचीव हो चुका है, प्रपोजल आया था चार्टर में अमेंडमेंट के लिए और यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत से वो प्रपोजल पास हो गया और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स ने भी वोट दिया उस प्रपोजल के समर्थन में, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर कंट्रीज हैं, मान लेते हैं 180 मेंबर कंट्रीज हैं, वैसे है एक्चुअल में 195 के आसपास, लेकिन मान लेते हैं 180 मेंबर कंट्रीज हैं, तो 2/3 जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं, 2/3 कितने हुए, 120 देशों के द्वारा उस प्रपोजल को रेटिफाई करना जरूरी है। रेटिफाई जैसे इंडिया को रेटिफाई करना है तो पार्लियामेंट से रेटिफाई करना होगा, उसी प्रकार से 120 देशों को अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए उस प्रपोजल को रेटिफाई करना होगा। तो ये प्रोसेस है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अमेंडमेंट लाने की, प्रोसेस थोड़ी रिजिड है। अभी तक देखो 5 बार यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट 5 बार हुई है लेकिन 2 ही चीज़ों के लिए हुई है। कौन सी 2 चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अमेंडमेंट लाया गया? एक तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा इकोसोक यानी यूनाइटेड नेशंस की जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है इसमें मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ इन 2 कामों के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अमेंडमेंट की गई है 5 बार। जैसे शुरुआत में सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या 7 थी, 7 से 9 हुई, 9 से 11, 11 से 15, समझ गए? तो मतलब काम 2 ही हैं लेकिन 5 बार अमेंडमेंट हुई है। 2 काम कौन से? एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर की संख्या को इंक्रीज करना, एक इकोसोक में मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज करना। देखो वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं बजट ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा, सेक्रेटरीट में रिफॉर्म्स की बात की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं भैया आप इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लेके आओ, आप सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेके आओ, हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो कल हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बारे में। इंडिया चाहता है हमें भी परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इस इशू को हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।